नमस्कार दोस्तों, टुडे व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो है ये आकर्षण बढ़ाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए, हर कार्य की पूर्ति करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए कौन सा तिलक लगाए वो उसी पर आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। और साथ में मिस ना हो कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों आप लोगों में से बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कौन सा तिलक लगाती हैं, तो देखिए मैं ना केसर और हल्दी का तिलक लगाती हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे तिलक का उपयोग करती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय चीज़ मेरी है तो वो है केसर और हल्दी की तिलक। तो इस तिलक को लगाने के क्या क्या फ़ायदे भी होते हैं वो भी मैं आप लोगों के पास बता देती हूँ, ठीक है। कोई चीज़ छुपाते नहीं, खुली किताब हूँ, सब बता देती हूँ, सीख लूँ और साथ में दूसरों की हेल्प भी करो, ठीक है। किसी को अगर ज़रूरत है ना इस तरह के वीडियोस की, उसको देते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदू संस्कृति में तिलक का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कोई भी पूजा हो, धार्मिक काम हो, तो यहाँ पर तिलक लगाए बिना कोई काम पूरा नहीं होता। यानी तिलक एक शुभ अनुष्ठान का नियम है, इसके बिना कोई काम नहीं होता है तिलक के। देखिए तिलक मंगल और शुभता का प्रतीक है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी शुभ कार्य की मतलब प्रारंभ करना चाहता है या फिर प्रस्थान करता है घर से, तो वो तिलक लगाकर ही निकलता है या फिर तिलक लगाने का ही विधान है। देखिए लेकिन आप क्या जानते हैं कि तिलक आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है? नहीं पता था ना, अभी सीख लो, जान लो एक्चुअली में। जी हाँ, शास्त्रों में ना तिलक के संबंध में ना विस्तार से बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए तिलक लगाने का विधान बताया गया है। यहाँ पर जो आती है लगाने के लिए वो होती है चंदन, अष्टगंधा, कुमकुम, केसर, हल्दी और भी बहुत सारे पदार्थ के तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे कार्यों की सिद्धि हो। यहाँ तक कि ग्रहों का अगर दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पर तो भी तिलक से दूर कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे अभी बताती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानने वाली बात है कि तिलक को कहाँ कहाँ लगाते हैं। गले पर लगाते हैं, भुजाओं पर लगाते हैं, नाभि पर भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य स्थान जो होता है ना, जहाँ पर सबसे पावरफुल तरीके से काम करता है, वो होता है हमारी दोनों भौं के बीच में, यानी हमारी आज्ञा चक्र में। देखिए इस स्थान पर ना सातों चक्र का एक चक्र पाया जाता है, वो है यहाँ पर आज्ञा चक्र। और इस आज्ञा चक्र पर अगर हम प्रतिदिन तिलक लगाते हैं तो ये चक्र जागृत होता है, जी हाँ। और अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को जब हम तिलक रेगुलरली लगाते हैं यहाँ पर इस स्थान पर आज्ञा चक्र पर, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके इंट्यूशंस जाग जाते हैं, यानी उसको पहले ही समय से पहले ही ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है। और साथ में उन्हें भविष्य के देखने की भी शक्ति मिल जाती है, समय से परे चीज़ें देखने को उन लोगों की शक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आकर्षक बनना है, अगर आकर्षण का प्रभाव देखना है जीवन में तो ये तिलक जो है ये तो आकर्षण देता ही है, साथ में ऊर्जा को भी प्रदान करता है। इस स्थान पर यानी यहाँ पर अलग अलग पदार्थों के तिलक हम लगाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे अधिक चमत्कारी जो होता है ना वो प्रभाव दिखाने वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो होता है केसर और हल्दी, ठीक है। देखिए केसर और हल्दी का तिलक करने से ना आपकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। बहुत दिनों से कोई कामना है या फिर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव नहीं है, लोग आपसे आकर्षित नहीं होते, या तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी वीक है या फिर आप बात करते हैं तो लोग उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, या फिर मान लो कि आपकी पूरी पर्सनालिटी पूरी नेगेटिव है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को भी ये डिस्टर्ब करता है, आपकी नेगेटिविटी, ठीक है। तो इसको अगर दूर करना है तो इसके लिए हमें केसर और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए जो व्यक्ति सफलता चाहता है, आकर्षण चाहता है, सौंदर्य चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, वैभव चाहता है, आरोग्य चाहता है, आरोग्यता भी चाहता है, आयु भी चाहता है, तो उस इंसान को प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर केसर और हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए। केसर का तिलक भगवान शिव,
भगवान विष्णु, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ठीक है, तो भगवान शिव से हमें साहस मिलती है, शांति मिलती है, लंबी आयु मिलती है और आरोग्यता मिलती है। वहीं पर भगवान गणेश से हमें ज्ञान मिलता है, माँ लक्ष्मी से हमें धन, वैभव, आकर्षण मिलता है और वहीं पर विष्णु भगवान से हमें भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात जो आती है कि कई देवी देवताओं के यंत्रों का निर्माण करने के लिए भी केसर की स्याही का उपयोग किया जाता है। केसर शुद्ध होता है, पवित्र होता है और उसमें एक मतलब प्राकृतिक फ्रेग्रेंस होती है। उसको सूंघकर देखेंगे बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा लगता है, मनमोहक होता है। तो इसमें ना एक केसर में जो है, केसर अगर केसर की बात करूँ तो केसर में एक दिव्य शक्ति है जिससे देवी देवताओं को ना आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपनी पर्सनालिटी पर हम चार चांद भी लगा सकते हैं। चंद्र का अगर दुष्प्रभाव है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए भी कि कमजोर चंद्रमा है आपकी कुंडली में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें रेगुलरली केसर और चंदन का तिलक जरूर लगाना है और साथ में अगर उसमें हल्दी डाल देते हैं तो ये तिलक बड़ा बड़ा चमत्कारी तिलक बन जाता है और साथ में ये चंद्रमा के दुष्प्रभाव को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी ना बड़ी परेशानी है, कलहपूर्ण जीवन है और साथ में अगर केसर का तिलक हम मस्तक पर, गले पर, नाभि पर, भुजाओं पर अगर लगाते हैं तो इससे भी हमें अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम दिखाई देने लगता है और साथ में कलहपूर्ण वातावरण जो है वो खत्म होने लगता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में ना मांगलिक दोष है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को लाल चंदन और केसर मिश्रित तिलक लगाना चाहिए। ये बड़ा चमत्कारी उपाय होता है, इसे करके देखिएगा। इससे मांगलिक दोष अगर है तो ये धीरे धीरे इसके प्रभाव कम होने लगते हैं। ठीक है, जिन स्त्रियों को शुक्र से संबंधित समस्या है, जैसे पति से अनबन है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मान सम्मान की कमी है, किसी भी महिला या फिर कन्या को मेकअप एकदम करती हैं लेकिन फिर भी उनमें वो रौनक नहीं दिखती है और बहुत सजने धजने के बाद भी उसमें एक कहते हैं ना कि उसमें वो खूबसूरती नहीं दिखती है या फिर वो अंदरूनी खूबसूरती भी बाहर नहीं आ पाती है, तो ऐसे क्षेत्र में भी ना केसर का दान कीजिए, साथ में मेकअप किट का भी दान कीजिए किसी कन्या को, किसी लेडीज को। ठीक है, ये जिसके साथ प्रॉब्लम है ना, ये उसे करना है कि ये किसी सामने वाली लेडीज को आप कोई मेकअप किट दान कर दीजिए या फिर केसर का दान कर दीजिए। इससे भी धीरे धीरे उसकी जो है प्रॉब्लम जो है, इस तरह के प्रॉब्लम वो घटने लगते हैं। अब बात आती है कि पैसे की बचत नहीं हो रही है तो इसमें क्या करें, तो घर में अगर आर्थिक तंगी बनी रहती है तो पैसे की बचत नहीं होती है तो नवरात्रि से या किसी भी शुभ दिन से 7 सफेद कौड़ियों में केसर रंग लीजिए उन कौड़ियों को और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर श्री सूक्त का 7 बार पाठ कीजिए। अब इस पुटली को अपनी तिजोरी में रखें और देखें कि जल्दी इसका धनागम कैसे होता है। तो आई होप आज का वीडियो केसर और हल्दी का तिलक के साथ साथ मैंने केसर के कुछ और छोटे छोटे उपाय भी आप लोगों को बता दिए हैं तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।